प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही वो समय होता है जब आपकी पहली तिमाही खत्म हो गई, यानी पहले 3 महीने के दौरान जो आपको शुरुआती बदलाव लक्षण नजर आ रहे थे, जो कि समस्या हो रही थी, उल्टी, उबकाई, चक्कर आना, जी मतलाना, ऐसी समस्याएं हो रही थी, वो लगभग कम हो जाती है, यानी कि बहुत ही कम बचती है। और दूसरी तिमाही के दौरान महिलाओं को शारीरिक बदलाव थोड़े ज्यादा महसूस हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिनकी प्रेगनेंसी का चौथा, पांचवा और छठवां महीना अभी हाल ही में लगा है, यानी कि पहली तिमाही खत्म होकर दूसरी तिमाही लगी है। और फ्रेंड्स, इस दौरान आपको अपने शरीर में कुछ खास बदलाव नजर आ रहे हैं। आज के वीडियो में ऐसे ही मैं आपको 4 खास बदलावों के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि पुराने जमाने से ही घर में लड़का और लड़की होने के अनुमान लगाने में आपकी काफी मदद कर सकता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद प्रेगनेंसी में आपको काफी हेल्पफुल लगने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स वैसे तो देखिए सबको पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के 4 से 5 अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, जिसमें आपको अपने बच्चे की हार्ट बीट, अपने बच्चे की, जैसे कि आपके बच्चा कितना बड़ा हो गया है, कितना आकार हो गया है, लंबाई कैसी हो गई, आपका बच्चा हेल्दी है या नहीं है, आपके बच्चे में कोई कमी तो नहीं है, इन सारी बातों के बारे में पता चल जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो घर में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण कर देते हैं, जिससे क्या है कि बच्चों में भेदभाव का जो भावना है वो महिला और पुरुष दोनों में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं जो सिम्टम्स आपको बता रही हूँ ये केवल पुराने जमाने से आज तक चली आ रही एक प्रथा है, प्रचलन में है और अनुमान लगाने में आपकी काफी मदद कर सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी की मदद से गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करना कानूनन अपराध है। ऐसा करने वाले डॉक्टर और हॉस्पिटल सबको सजा हो सकती है। इसीलिए मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता है। मैं आपको ऐसे 4 खास बदलावों के बारे में बताने वाली हूँ जो कि चौथे, पांचवें और छठवें महीने के दौरान आपको अपने शरीर में नजर आ सकती है। इन बदलावों को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको हर रोज प्राप्त होती रहे। सबसे पहला शारीरिक बदलाव है डार्क सर्कल। जी हाँ, वैसे तो मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियोज में आपको आपकी स्किन के कलर के बारे में बताया है कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान क्या है कि कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी स्किन का कलर एकदम से बदल जाता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी जो स्किन है वो ग्लोइंग हो जाती है, प्रेगनेंसी ग्लो आ जाता है, एकदम चमकदार हो जाता है। ऐसा आपकी डाइट लेने की वजह से भी होता है, और कई बार कई सारी महिलाओं प्रेगनेंसी के सिम्टम्स की वजह से भी होता है, और कई सारी महिलाओं की जो स्किन है वो एकदम से काली पड़ जाती है, चेहरे पर झाइयां आ जाती हैं। इसी तरह से कई सारी महिलाओं मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बहुत ज्यादा आ जाते हैं। पहले उनकी स्किन काफी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन आजकल अच्छी नींद लेने के बावजूद, अच्छी डाइट लेने के बावजूद भी उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं। अगर दूसरी तिमाही के दौरान आपको ऐसा कोई बदलाव फील हो रहा है तो फ्रेंड्स, इसे घर में लड़का होने का सबसे सटीक इशारा माना जाता है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो समझ लीजिए आपके घर में आने वाला जो नन्ना मेहमान है वो 100% बेटा ही होने वाला है। दूसरा शारीरिक बदलाव है गर्दन काली होना। जी हाँ, आपने देखा होगा कई सारी महिलाएं जो कि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही तक एकदम अच्छी हुआ करती थी, लेकिन दूसरी तिमाही लगते ही अचानक उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो गर्दन है उसमें टैनिंग आ गई है, यानी कि कालापन आ गया है, एकदम से जो गर्दन की जो स्किन है वो सिकुड़ी सिकुड़ी सी हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको दूसरी तिमाही के दौरान ऐसा लग रहा है कि आपकी जो गर्दन है वो काली पड़ती जा रही है, तो इसे भी घर में लड़का होने की तरफ सबसे सटीक इशारा माना जाता है। तीसरा बदलाव है दायां बायां। जी हाँ, वैसे तो इस सिम्टम्स के बारे में मैंने आपको पिछले कई सारे वीडियो में बताया है कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान कई सारी महिलाओं के जो ब्रेस्ट में जो बदलाव आ रहा होता है, तो कई महिलाओं के जो राइट साइड की ब्रेस्ट है वो भारी हो जाती है, कई महिलाओं की लेफ्ट साइड की जो ब्रेस्ट है वो भारी हो जाती है। अगर राइट साइड की ब्रेस्ट आपकी भारी हो जाती है तो इसे घर में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है, क्योंकि महिला के घर में जो लड़का होता है वो आपके पेट के राइट साइड में होता है, तो राइट साइड की तरफ आपको ज्यादा बदलाव फील होता है। ऐसे ही अगर दूसरी तिमाही के दौरान जिन महिलाओं को राइट साइड करवट लेकर नींद अच्छी आती है, अच्छा फील होता है, तो भी घर में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। तीसरा, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान जब भी आप चलने की शुरुआत करती हैं तो आपका
दायां पैर यानी कि राइट लेग जो है वो सबसे आगे पहले उठता है जब भी आप चलती हैं, राइट लेग आपकी आगे चलती है, सबसे पहले उठता है दायां कदम, तो इसे भी गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। चौथा, अगर प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपको आपके पैरों में सूजन आने लग जाती है, तो फ्रेंड्स इसे भी क्या है कि प्रेगनेंसी में गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है, क्योंकि तीसरी तिमाही के दौरान अगर महिला के हाथ पैरों में सूजन आ रही है तो ये होना एकदम नॉर्मल है, क्योंकि अब तक आपका बच्चा जो है काफी ग्रो कर लेता है, आपके बच्चे का वजन बढ़ जाता है, आप भी अच्छी डाइट ले रही होती हैं तो आपका वजन भी बढ़ जाता है, जब आपके शरीर का वजन बढ़ता है तो ऊपर की बॉडी आपकी भारी हो जाती है जिसका पूरा वेट आपके पैरों पर आ जाता है जिससे आपको पैरों में सूजन आ सकती है। लेकिन दूसरी तिमाही के दौरान ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपके पैरों में लगातार सूजन आ रही है फिर चली जाती है, तो इसे भी गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। वहीं अब बात करते हैं बाई तरफ यानी लेफ्ट साइड की। अगर प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपकी बाया जो ब्रेस्ट है यानी कि लेफ्ट साइड की जो ब्रेस्ट है वो भारी हो जाती है, आपको लेफ्ट साइड सोने में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, नींद अच्छी आती है, फ्रेश फील करती है, जब भी आप चलने की शुरुआत करती हैं आपका बायां पैर सबसे पहले आगे बढ़ता है, तो फ्रेंड्स इन तीनों ही सिम्टम्स में से कोई भी एक बदलाव आपको दूसरी तिमाही के दौरान नजर आ रहा है तो समझ लीजिए आपके घर में पल रहा जो बच्चा है वो 100% लड़की ही होने वाली है। और चौथा, सबसे सटीक जो इशारा होता है वो है बच्चे की हलचल। जी हाँ, बच्चे की हलचल को लेकर काफी सारी महिलाओं को एक डाउट सा रहता है कि बच्चे की जो हलचल होती है वो कैसे होती है, हम कैसे फील करेंगे कि हमारा बच्चा ही हलचल कर रहा है या फिर हमारे पेट में गैस एसिडिटी हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपका बच्चा पहली बार मूवमेंट्स करता है ना तो उसकी हलचल आपको बहुत ज्यादा फील नहीं होती, हल्की सी गुदगुदी सी फील होती है, ऐसा लगता है कोई चीज आपके पेट में इधर उधर राइट साइड लेफ्ट साइड रेंग रही है। अगर आपको प्रेगनेंसी के चौथे पांचवें महीने के दौरान कोई चीज अपने पेट में रेंगती हुई फील हो रही है तो इसे गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। वहीं जिन महिलाओं को तीसरे महीने के दौरान ही अपने बच्चे की जो पहली मोमेंट्स है वो फील होने लग जाती है तो इसे गर्भ में लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। हालांकि देखिए, बच्चे की जो मूवमेंट्स होती हैं वो महिला को अपने पेट में कहीं भी फील हो सकती है, राइट साइड लेफ्ट साइड ऊपर नीचे किसी भी जगह फील हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मूवमेंट्स अगर आपको राइट साइड में पेट के निचले हिस्से में यानी कि नाभि के नीचे की साइड में फील हो रही तो लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। और ज्यादातर मूवमेंट्स जो होती है वो आपको पेट के लेफ्ट साइड में पेट के ऊपरी हिस्से में फील होती है, इसे गर्भ में लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। तो ये है वो चार बदलाव जो आपको प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान अगर अपने शरीर में नजर आ रहे हैं तो इन्हें गर्भ में लड़का होने का इशारा माना जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जो सिम्टम्स हैं वो आपको फील हो रहे हैं तो आपको 100% लड़का ही हो, क्योंकि मैंने ये सिर्फ आपको अनुमान बताया है फ्रेंड्स, इनसे केवल अनुमान लगाया जा सकता है, इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। लेकिन ज्यादातर केसेस में आपने देखा होगा, मेरे इंस्टा आईडी खोल के देखिए, आप यूट्यूब पर भी कमेंट सेशन में जाकर देख सकते हैं कि मैं जो सिम्टम्स आपको बताती हूँ वो 100% लड़का या लड़की होने का जो भी बताती हूँ वो सटीक साबित हो जाती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में अगर ये जानने की इच्छा हो रही है कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का होगा या लड़की, हालांकि देखिए पेरेंट्स के लिए लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, आप अपने बच्चों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जाहिर सी बात है जब एक महिला का पेट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है आपके आसपास रहने वाले लोगों को, तो वो एक तुक्का लगाना शुरू कर देती है, आपको लड़का होगा आपको लड़की होगी, तो इन सारी बातों के चलते आपके मन में भी एक सवाल सा आ जाता है कि आपको लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। तो फ्रेंड्स ये जो अनुमान है वो प्रेगनेंसी में आपकी काफी मदद करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो देखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूजफुल जरूर लगेगी। अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।